क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी शिशुओं की तादाद एकाएक बढ़ गई है। अस्पताल में वायरल उल्टी और दस्त के रोग रोजाना 200 से 250 रोगी पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की शिशु रोग विशेषज्ञ ओपीडी में रोजाना 100 से 200 रोगी पहुंच रहे हैं, जबकि अस्पताल में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ है। यही एक शिशु रोग विशेषज्ञ ओपीडी के अलावा अस्पताल में भर्ती करीबन 500 बच्चों का उपचार भी कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी शिशुओं का उपचार करवाने में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शिशु वार्ड के बाहर लगी भीड़ को देखकर कई लोग तो बिना चेकअप करवाए ही चले जाते हैं और निजी अस्पतालों में महंगी फीस देकर चेकअप करवाने को मजबूर हैं। वहीं एसएम डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि मौसम के बदलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने माना कि अस्पताल में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ है और इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। आजकल एक्चुअली क्योंकि चेंज ऑफ वेदर है, उसकी वजह से फीवर के केस, टटी उल्टियों के केस ज़्यादा आ रहे हैं। कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बट हमारी डॉक्टर्स की टीम कर रही है, इलाज चल रहा है और साथ साथ हम उनको साफ सफाई के तरीके, स्वच्छ पानी, इन चीज़ों के बारे में भी साथ साथ जानकारी दे रहे हैं। कहीं कहीं पानी का प्रभाव है, पानी ठीक नहीं है, दूषित पानी है, या पानी के उसके लिए हमने अभी पीछे जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे ऑल ऑफ ए सडन हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में, बच्चा वार्ड में पीलिया के केसेस बढ़ गए थे, तो हमने उसके लिए, उसकी आईसी एक्टिविटी के लिए, उसके फर्दर एक्शन के लिए आईपीएच विभाग से भी कम्युनिकेट किया है कि अगर पानी में क्लोरिनेशन या कुछ उसकी सैम्पलिंग की ज़रूरत है तो उस ढंग से की जाए, ताकि एटलीस्ट पानी से बच्चों को हेपेटाइटिस या पीलिया या दस्त उल्टियाँ ऐसी बीमारियाँ ना लगे।